अभी जोहिर की तरफ जा रहा हूँ। हमारा छठा व्लॉग है जो आज इंशाल्लाह हम लोग शूट करेंगे। ये वीडियो थोड़ी अलग होगी क्योंकि ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है। हम लोग एक कोलैबोरेट कर रहे हैं एक और यूट्यूबर के साथ। अब वो कौन है और कब से काम कर रहा है इससे हम लोग आपको बात करवाते हैं वीडियो में आगे करवाएंगे। और एजाज़ नहीं है, एजाज़ डायरेक्ट लोकेशन पर ही आएगा। मैं इस वक्त जोहिर के पास जा रहा हूँ, जोहिर और मैं फिर साथ लोकेशन पर मिलेंगे। यहाँ पे आई हुई है तो दिलास एग्जिट पे जो हमारा मीटअप पॉइंट था और हमारे जो गेस्ट है जिसे हमारी कोलैबोरेशन है वो रस्ते में आ रहे हैं। हाँ भाई, कोलैबोरेशन का सीन है आज मेरा और वॉइस वेट कर रहे होंगे, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ। उन्होंने मुझे टाइम दिया था 5 बजे का और एज यूजल 6:15 पे मैं जा रहा हूँ। तो चले चल के देखते हैं वहाँ के मामला। हमारी कोलैबोरेशन थी आज इनके साथ, ये सैयद करार हुसैन हैं और इनको फर्दर इंट्रोड्यूस कराते हैं। अंदर चलते हैं, यहाँ काफ़ी शोर भी हो रहा है और गर्मी भी है। तो हम यहाँ पे आ गए अंदर जो हमारा मीटअप पॉइंट है, जो एक्चुअल मीटअप पॉइंट है वहाँ पे आए हैं जो हमारे गेस्ट हैं जिसे हमारे कोलैबोरेशन, तो उससे बातें होंगी, खाना पीना होगा, चाय होगी। हमारी आज की मीटअप था, यहाँ पर कोलैबोरेशन थी। ये है हमारे यूट्यूबर सैयद करार हुसैन और ये PFT मेन कैंपस से हैं। और आप क्या करते हैं मेन कैंपस में और यूट्यूब चैनल कब से बना हुआ है इनका, कितनी वीडियोज हैं और क्या जॉनर है, किस पे काम कर रहे हैं, वो सब ये बताएंगे अभी। तो भाई जिनको पता उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। सैयद करार से मेरा नाम है, मेन कैंपस में होता था, अभी रिसेंटली सिटी कैंपस में आया हूँ। और मुलाकात इनसे बहुत कम समय में हुई है लेकिन इस कम टाइम में भी बड़ी अच्छी इनसे कोई बातचीत वगैरह हो गई है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये भी ब्लॉग्स करते हैं और मैं भी ब्लॉग वगैरह करता हूँ। जिनको नहीं पता उनको बताया था मेरा चैनल सैयद करार हुसैन के नाम से, और जिनको इनके चैनल का नहीं पता उनको बताया था उनके चैनल है यूट्यूब के नाम से। स्पेलिंग बता दे भाई वरना लोग कुछ और सर्च कर बैठेंगे। अच्छा भाई, तो इन तीनों ने तो मेरा नाम इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। अब मैं आपको इन तीनों का बताता हूँ, चैनल तो बता दिया। ये है जुहैर, ये है हमारे माज और ये हमारे बैठे हुए, इनका नाम फिर से भूल गया, एजाज। बोला नहीं हूँ यार, बंदे बड़े नाइस है, एजाज इनका नाम है। चले मुझे आप एक बात बताएं, आप तो एविएशन में है, एविएशन फील्ड है आपकी, तो ये यूट्यूब का और ब्लॉग कैसे आ गए आप? यार देखे, पहले स्नैपचैट वगैरह हुआ करती थी, उस पर डेली स्टोरी बनाता था। व्हाट्सएप वालों ने भी स्टेटस वगैरह का वो इंट्रोड्यूस कराया, तो उस पर डेली बेसिस पर अपने स्टोरी वगैरह लगाया करता था। तो लोग कहते थे भाई तू बाथरूम जा रहा है उसका भी दिखा दे, इतना मतलब वो लोग कहते थे। तो मुझे पता नहीं था ये जो सब मैं कर रहा हूँ ये व्लॉग कहलाता है। तो एक दो दिन मैंने जुनेजो के व्लॉग्स वगैरह देखे, इरफान जुनेजो के, फिर मुझे पता चला कि अच्छा जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक डाल के एडिट वेडिट करो तो ये व्लॉग कहलाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं व्लॉगिंग साइट पर आया और इस तरह भी मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और अभी मेरा छठा सेमेस्टर है, कल मेरा पेपर है, मैं ये छोड़ गया, इनके साथ कोलैबोरेशन करने आया हूँ। अच्छा, कभी शॉर्ट लेते हुए या कहीं व्लॉग बनाते हुए किसी ने आपको पूछा कि आप टिकटॉकर तो नहीं है, कैसे फील होंगे? दिन एक अजीब सी फीलिंग आती है। इस सवाल को मैं बता देता हूँ क्योंकि हम जब अपना व्लॉग कर रहे होते हैं ना तो अमूमन लोग आके हमें पूछ लेते हैं भाई आप टिकटॉकर है, ये सवाल हमें सुनने को बहुत मिलता है, टिकटॉकर। तो ये भाई साहब से आप पूछ रहे हैं? यार देखिए, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ लेकिन ऐसा जरूर हुआ। स्टार्ट में जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की ना तो लोग मुझे कहते थे सस्ते व्लॉगर, ओके ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो करते करते अब अल्हम्दुलिल्लाह काम ऐसा हो गया, जो सस्ते व्लॉगर कहते थे ना वो अपने इवेंट में बुला रहे और इवेंट कवर करवा रहे। अच्छा यार, मेरा आप तीनों से एक सवाल है कि मतलब आप लोग CMA के हो, तो आप लोगों ने इतना लेट ये काम क्यों शुरू किया व्लॉगिंग का? पहले तो क्लियर कर रहे, CMA कॉलेज ऑफ मीडिया आर्ट्स,
स्टूडेंट्स हैं, टीवीएन फिल्म प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स हैं, टीवीएन फिल्म प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स हैं हम। ये काम हमने लेट इसलिए शुरू किया क्योंकि अब हमारा आखिरी सेमेस्टर है, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले हमारे कोर्सेज भी होते थे, इंटर्नशिप्स भी होती थी, अब वो सब खत्म हो गया था। अब ये लास्ट सेमेस्टर है तो हम इसको आगे कंटिन्यू इजीली कर सकते हैं। प्लान पहले से था, प्लान हमारा शुरू से था, लेकिन हम डॉक्यूमेंट्रीज पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे, तो मतलब मैं इनसे सही टाइम पे कोलैबोरेशन कर रहा हूं, मेरे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। भाई वो सब तो ठीक है, बहुत हो गई, बहुत लंबी हो गई। खाने का क्या सीन है? हमने डिसाइड कर लिया क्या खाना पीना है, तो जब तक वो आ रहा है तब तक हम लोग बैठ के बातें कर लेते, पता नहीं नेक्स्ट कोलैबोरेशन कब हो यार इन लोगों के साथ। अच्छा एक बात जो मेरे जहन में थी, एक तो चलो हमारी तो यार फील्ड है CMA के, हम लोग मीडिया एंड आर्ट्स के, फिल्म मेकिंग है यार, आप तो एविएशन के हो, तो क्या मतलब आगे करने का इरादा है? हम तो करने का है, अब नेक्स्ट व्लॉग कब बने या बने तो क्या यार, ये इस बंदे ने जो है ना कब से इसके जहन में खाना था, लेकिन अब जाके कोई सवाल आया है तो चलो इसका जवाब दे देते हैं कि हाँ यार मेरा आगे जाके जो है ना, एस सबको पता है इरफान जूनियर जो सबके लिए इंस्पिरेशन है, और अभी इमिरेट्स वगैरह का उसने वो किया था, तो उसको देख के तो मैं और इंस्पायर हो गया कि यहाँ मैंने एविएशन की डिग्री लेनी और वहाँ मैंने फिर किसी एयरलाइन में अप्लाई कर देना एज अ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, और व्लॉगिंग भी जारी रखनी है क्योंकि शौक था, शौक है, शौक रहेगा। सब मोटिवेटेड है, सब में डेडिकेशन है काम का, तो यही चीज़ जो है ना दूसरों को भी इंस्पायर करता है, और जुनेजो को देख के जो इंस्पिरेशन मिली है उसकी वजह यही थी। मतलब भाई का लेवल है, सीन्स हैं भाई, नॉट कमिंग स्लो, नॉट कमिंग स्लो। अच्छा बात ये तो चलती रहेगी, तो अभी खाने का टाइम है, हम खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर मेरे चैनल पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे देख लें, अगर इनके चैनल पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ये मेरा, आप हमारे चैनल से इनके चैनल पे चले जाइए, हम लिंक दे देंगे, मेरे चैनल से इनके चैनल पे चले जाएगा, कोलैबोरेशन में तो होती ही है ये ना। तो मैं गया था इस करतू, वहां के मैंने व्लॉग ट्रैवल व्लॉग्स बनाया, और अकेले गया था, अकेले आया हूं, और मोबाइल से मैंने वो सारा बनाया, तो मैं तो कहता हूँ कि देख ले तो अच्छा है, काफ़ी कुछ आप लोगों को इससे सीखने को मिल जाएगा। तो भाई ये खाने पीने का जितना भी ग्रेड है सारा मास्क हो जाता है, कोलैबोरेशन में बड़ा मज़ा है इन लोगों के साथ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो देख के मज़ा आया हो, पसंद आया हो, पसंद आया तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।